Hey guys, what's up? If you want these videos in English, please do let me know in the comment section. Last lecture में हमने basic parameter of mechanics देख लिया था, तो अब कुछ motor के parameters देखते हैं। तो चलिए video को start करते हैं। My name is Dishant and you are watching Create Eco Friendly. ये वो parameters हैं जो motor manufacturers बताता है, like rated power, maximum power, and इसी के हिसाब से voltage, rated current, rated torque, maximum torque, no load speed, and rated speed. एंड द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ बताई जाएँ, कुछ चीज़ बताई जाती है, बाकी तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ रेटेड पावर एंड मैक्सिमम पावर? देखो दोस्तों, रेटेड जहाँ भी लग गया उसका मतलब होता है नॉर्मली, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि एवरेज। तो रेटेड पावर इज़ द पावर अंडर नॉर्मल यूसेज ऑफ मोटर। एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज समथिंग आउटपुट अपॉन इनपुट। लाइक आपने किसी को 100 रुपये दिए काम करने के लिए एंड उसने 90 रुपीज़ का काम किया, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 90%। या फिर आप फ्रैक्शन में बोलो तो 0.9। अब आपको बोला कि कोई मोटर जिसकी रेटेड पावर 750 वाट है एंड पीक पावर 1000 वाट है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल कंडीशन में हम 750 वाट यूज़ करते हैं एंड पीक पावर वो 1000 वाट निकाल सकती है। एंड ये जो पावर है, ये इनपुट पावर है कि आउटपुट पावर है? ये आउटपुट पावर है, क्योंकि ये मैकेनिकल पावर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इनपुट पावर कुछ और होती है, वो प्रोवाइड की जाती है बैटरी से। अब बात बैटरी की आ रही है तो बात करते हैं वोल्टेज की, मतलब हम कितने वोल्ट का बैटरी पैक बनाएं। अगर हम ज़्यादा वोल्ट का बैटरी पैक लगाएंगे तो मोटर की वाइंडिंग या कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। मैंने किया भी है अपना एक कंट्रोलर ख़राब। लेकिन दोस्तों, एक मोटर डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग में भी अवेलेबल होती है, लाइक 48 वोल्ट, 72 वोल्ट, 36 वोल्ट, किसी में भी हो सकती है। बट आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, P इक्वल्स टू VI। दैट मीन्स अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोर करंट मीन्स मोर पावर लॉस एज हीट, ज़्यादा हीट निकलेगी तारों में से। एंड इसीलिए वी ऑलवेज चूज़ हायर वोल्टेज कन्फिग्रेशन फॉर मोटर। ज़्यादा वोल्टेज चूज़ करो, क्योंकि इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं करंट की। रेटेड करंट क्या होता है? रेटेड करंट इज द करंट ड्रोन बाय मोटर एट रेटेड स्पीड। मतलब जब मोटर नॉर्मल स्पीड पर चल रही हो तो जितना करंट फ्लो करेगा मोटर में से वो होगा रेटेड करंट। एंड मैक्सिमम करंट क्या होता है? मैक्सिमम करंट इज द करंट ड्रोन बाय मोटर एट मैक्सिमम स्पीड। जब हम व्हीकल को पूरा तेज भगा रहे हों तो उसमें जितना करंट फ्लो होगा वो होगा मैक्सिमम करंट। अब इसे निकाले कैसे? अभी तो बताया पावर इक्वल्स टू VI। करंट क्या होगा? I इक्वल्स टू P/V। अब ये जो पावर है ये कौन सी होगी? इनपुट की आउटपुट। हम करंट को इनपुट दे रहे हैं या फिर आउटपुट ले रहे हैं? करंट इज इनपुट, इनपुट जा रहा है मोटर में बैटरी के थ्रू। तो कौन सी पावर यूज़ करेंगे हम? इनपुट पावर। वो कौन सी होगी? बैटरी जो प्रोवाइड करेगा। तो करंट इक्वल्स टू इनपुट पावर अपॉन वोल्टेज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ BLDC मोटर विद एफिशिएंसी 85% हैज़ रेटेड पावर ऑफ 750 वोल्ट एंड पीक पावर ऑफ 100 वोल्ट एट 48 वोल्ट। फाइंड इट्स रेटेड करंट एंड मैक्सिमम करंट। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? इसका इनपुट वाट। कैसे? यूजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो इनपुट पावर या फिर इनपुट वाट इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी। तो रेटेड इनपुट पावर कैसे आ गई? 750 अपॉन एफिशिएंसी विच इज 0.85 इक्वल्स टू 882.35 वाट। अब मैक्सिमम पावर भी हम इसी तरह से निकालेंगे, 1000 अपॉन 0.85 विच इज इक्वल्स टू 1176.5 वाट। अब रेटेड करंट कैसे निकालेंगे हम? रेटेड इनपुट पावर अपॉन वोल्टेज, 882.35 अपॉन 48 विच इज इक्वल्स टू 18 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। अब देखो, अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो करंट कम हो जाएगा एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर भी बढ़ जाएगा, थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अब मैक्सिमम करंट निकाल के देख लेते हैं। मैक्सिमम करंट इक्वल्स टू इनपुट पावर अपॉन वोल्टेज विच इज इक्वल्स टू 24.5 एम्पियर। एंड अब आप करंट की कैलकुलेशन 72 वोल्ट के लिए करें एंड कमेंट आंसर में बताएं। चलो जी, अब स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है RPM के ऊपर। ये सब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब RPM भी दो तरह के होते हैं, नो लोड स्पीड या फिर ऑन लोड स्पीड। जब मोटर पे कोई लोड ना हो तो वो नो लोड स्पीड, जब मोटर पे लोड हो तो कहते हैं ऑन लोड स्पीड। अब रेटेड टॉर्क क्या होता है? रेटेड कॉन्फ़िगरेशन पे जो टॉर्क लगता है उसे कहते हैं हम रेटेड टॉर्क। और पीक टॉर्क क्या होता है? जो मैक्सिमम टॉर्क, जो पीक टॉर्क एक मोटर लगा सकती है उसे कहते हैं हम पीक टॉर्क। देखो यार, आपका जो एक्सीलरेशन है वो सीधा डिपेंड करता है टॉर्क के ऊपर। ज़्यादा टॉर्क मतलब ज़्यादा एक्सीलरेशन एंड बाइक जल्दी स्पीड पकड़ेगी। एंड ये जो टॉर्क है ये आल्सो डिपेंड अपॉन योर पावर एंड योर गियर रेशियो। ये सब गियर रेशियो वगैरह हम बाद में देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे हब मोटर वर्सेस मिड ड्राइव मोटर। तो दोस्तों, ये तो हो गए सारे मोटर पैरामीटर्स। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।
Thanks for watching, guys. Stay connected. See you in the next video. Bye-bye.